चलाए जा रहे हैं कैफ़ों में। एक तो सबसे प्लस क्या है कि चाय पीने और कॉफ़ी पीने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो है कमरे बनाकर एसी रूम बनाकर जो है पूरे जबलपुर के अंदर अराजकता फैलाई जा रही है, और इसको बिल्कुल भी हिंदू टाइगर फोर्स हिंदू महासभा बर्दाश्त नहीं करेगा। और निरंतर इसके विगत वर्षों पे अमित सिंह जी जब एसपी थे तो उन्होंने क्षेत्र के थानों को आदेश दिया था कि जितने भी उनके क्षेत्र में थाने चल रहे हैं उन पर जो है जांच कर जो है कैफों की कार्रवाई की जाए, लेकिन उनका दुर्भाग्यपूर्ण उनका जहाँ से ट्रांसफ़र हो गया उसका नए एसपी साहब आए उसके विगत उन्होंने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया और आधारताल क्षेत्र में कई सेक्स रैकेट जो है मुस्लिमों के पकड़े। तो ऐसे दोबारा घटना घटित ना हो, और अगर आधारताल क्षेत्र में इसको नहीं रोका गया तो हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा अगर कोई भी ऐसी विगत वर्षों में अगर सूचना प्राप्त होती है तो अब सीधा उन कैफों में जाकर सीधे तोड़फोड़ की जाएगी, और अगर दंगे का माहौल और फैलता है तो इसका जवाबदार जबलपुर प्रशासन और प्रदेश शिवराज सिंह चौहान होंगे। आपका नाम बोलिए। देवेंद्र हिंदू हिंदू महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू टाइगर फोर्स प्रदेश अध्यक्ष। जय श्री आपका कहना बिल्कुल ठीक है, उस पर हमने कार्रवाई करवाते हैं पुलिस वाली में, और एक बार आप संबंधित नगर निगम में भी जाके चीज़ें थोड़ा उनको भी अवगत करवाएं। जी सर, किस तरीके की इनकी मांग और क्या है समस्या? ये हिंदू टाइगर फोर्स द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जो कैफ़े संचालित होते हैं जिनमें कि वो कैफ़े खासकर जिनमें कि कैबिन रूपी रूप दिया गया है जिनमें कि लोग जाते हैं, तो इनका इस संबंध में विरोध है कि वहाँ आने वाले जो भी नवयुवक युवती हैं उनको देखा जाए, उनसे उनके आईडी ली जाए, उनको बराबर चेक किया जाए समय समय पर, और जो भी इस तरीके से अवैध रूप से बने हुए जिनको परमिशन नहीं है इस तरीके से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।